So we'll start with next topic, that is magnetic potential energy of a dipole. Magnetic potential energy of a वैसे आपके नोट्स में और आपके टेक्सट बुक में ये सिर्फ आपको कंपेयर करके दिया है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था। वो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो वो आता है यू इक्वल टू माइनस पी बार और टी बार। तो उन्होंने सिर्फ ऐसा एक स्टेटमेंट लिख के दे दिया कि सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आता है, लेकिन हमको डिराइव करना है, वी विल डिराइव दैट। तो एग्जैक्टली सेम मेथड है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी साइड बाय साइड करेंगे तो आपका वो भी रिविजन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में अगर आपको याद होगा, यू हैव कंसिडर्ड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस केस में आप लोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इन दिस केस आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर देते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। यहाँ पे आप एक मैग्नेटिक डाइपोल रख देते हो। मैग्नेटिक डाइपोल अलग अलग टाइप के होते हैं, बार मैग्नेट भी हो सकता है। बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ पोल, एक पोल साउथ पोल, या फिर एक कॉइल भी हो सकता है। क्योंकि तो मैंने कल ही बताया था कि अ कॉइल कैरिंग करंट इट बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अगर करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो साउथ पोल है, और उस कॉइल का दूसरा साइड वो नॉर्थ पोल है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, इट इज बेसिकली इट कैन बी अ बार मैग्नेट, इट कैन बी अ करंट कैरिंग कॉइल। तो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो यहाँ पे फोर्स लग गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस फोर्स इज, इफ यू रिमेम्बर, क्यूई, एंड दिस फोर्स हियर इज माइनस क्यूई। सिमिलरली नॉर्थ पोल पे, डायपोल के नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा एफ इक्वल टू क्यू एम बी, वेयर क्यू एम इज पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे आएगा एफ इक्वल टू माइनस क्यू एम बी, वेयर माइनस क्यू एम इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल। ये जो दो फोर्सेस है, दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट चार्जेस, मतलब टू डिफरेंट पॉइंट्स, हेंस दे कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्क, मतलब अ कपल, और कपल क्या करता है, टॉर्क लगाता है, मतलब रोटेट करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, हेंस यू हैव अ कपल, और कपल क्या करेगा, रोटेट करेगा। मान लेते हैं कि ये सब एंगल था थीटा। थीटा इज द एंगल इन दिस केस मेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो एंगल हम ले रहे हैं वो किसका एंगल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, किस किसके साथ ले रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। गुड, देन नाउ बिकॉज टॉर्क एक्ट हो रहा है, तो टॉर्क एक्ट होने की वजह से ये जो डाइपोल है ये रोटेट हो जाएगा, एंड इट विल गो टू सम न्यू एंगल थीटा जीरो। सिमिलरली ऑल्सो इन दिस केस, बिकॉज ऑफ टॉर्क ये डाइपोल रोटेट होगा, इट विल गो टू न्यू एंगल थीटा जीरो। हमको ये जो डाइपोल रोटेट हुआ थीटा एंगल से थीटा जीरो पे आया, हमको इसको वापस से लेके जाना है ओरिजिनल पोजिशन पे, मतलब थीटा जीरो से थीटा पे लेके जाना है। सिमिलरली इस केस में भी मैग्नेटिक डायपोल जो इनिशियल एंगल थीटा से थीटा जीरो पे आ गया, उसको उल्टा रोटेट करना है, थीटा जीरो से कहाँ ले जाना है, थीटा। ये जो रोटेट हुआ
वो नेचुरली रोटेट हुआ क्योंकि तो यहाँ पे टॉर्क एक्ट हो रहा था, इसलिए उसको बोलते हैं नेचुरल टॉर्क। तो नेचुरल टॉर्क ने मतलब टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अभी आपको अगर इन दोनों को अपने पोजिशन पर वापस लेके जाना है तो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि जो नेचुरल टॉर्क है वो तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, हमको इसको क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा भी याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस भी याद होगा तो भी चलता है। अगर आपको याद है हमने क्या किया था, हमने बोला था कि पहला चार्ज लाए थे नोवर के अंदर, तो दूसरा चार्ज ला रहे हैं, वी आर मूविंग द सेकेंड चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट चार्ज, तो वो जो वर्क डन होगा इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपको याद है हम इंफिनिटी से चार्ज को मूव करके लाते हैं, और कैसे लाते हैं, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, हर एक बार चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मूव किया तो कितना वर्क डन हुआ, और वो पता है वो क्या था, फोर्स इंटू डीएक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अफकोर्स वो माइनस साइन लिखते थे, यहाँ पे माइनस साइन का रीजन था दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ठीक है, तो फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ। ओके गुड, यहाँ पे भी वही है, सिर्फ यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो क्योंकि तुमको इसको रोटेट करवाना है, थीटा 0 से थीटा पे लेके जाना है, तो स्लो स्लो हम लोग रोटेट करेंगे, मतलब हर बार हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे कितना डी थीटा। लेकिन लीनियर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को लाना है तो फोर्स लगता है, और अगर रोटेशन लाना है तो टॉर्क लगता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। ये हो गया आपका वर्क डन टू रोटेट दैट डाइपोल बाय अ स्मॉल अमाउंट। फिर टोटल वर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रेशन कहां से, इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल तक। तो दिस इज थीटा 0 टू थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का केस है सेम एज इट इज मैग्नेटिक डायपोल का केस, अब्सोल्युटली नो चेंज, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस पड़ता है आपका फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। यहाँ पे तुम लिखते हो पीई साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे तुम लिखते हो म्यू बी साइन थीटा डी थीटा, वेयर पी इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, म्यू इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू पीई को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन कर लो साइन थीटा डी थीटा पे, साइन थीटा डी थीटा पे इंटीग्रेशन कर लो फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, और W इक्वल टू यहाँ पे भी आप म्यू बी को बाहर निकाल लोगे, थीटा 0 से थीटा पे कर लोगे इंटीग्रेट साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस साइन को भूल जाएंगे और लिमिट्स को इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पे भी आएगा वही म्यू बी इक्वल टू cos थीटा फ्रॉम थीटा टू थीटा 0, माइनस साइन मैंने निकाल लिया, तो दिस इज PE cos ऑफ इनिशियल एंगल माइनस cos ऑफ फाइनल एंगल। तो यहाँ पे आएगा सॉरी म्यू बी cos ऑफ इनिशियल एंगल माइनस cos ऑफ फाइनल एंगल। क्लियर, गुड। तो ये वर्क डन, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक डायपोल में स्टोर हो गया, वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो मैग्नेटिक डायपोल में स्टोर हो गया, तो दोनों ही केस में यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी का लगभग लगभग सेम फॉर्मूला, तो ऑलमोस्ट सेम है। ओके, लेकिन आपके बुक में ऐसा कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं होता है, उसका एक रीजन है, क्योंकि उनका जो असम्पशन होता है ना, इनिशियल एंगल होता है 90 डिग्री, मतलब दे ऑलवेज
ऑलवेज टेक इनिशियल एंगल टू बी 90। मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि जो ओरिजिनली डायपोल था वो परपेंडिकुलर था टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड करता है कौन सा केस है उसके ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक डायपोल। तो अगर इनिशियल एंगल में, अगर मैं इनिशियल एंगल 0 ले लूँ, सॉरी 90 ले लूँ, 90 व्हाट इज कॉस 90 0, तो यू क्या आ जाएगा, पीई 0 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे यू क्या आ जाएगा, म्यू बी 0 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस म्यू बी कॉस थीटा। ये आ जाएगा आपके पास माइनस पी बार डॉट ई बार और ये आ जाएगा माइनस म्यू बार डॉट बी बार, करेक्ट गुड। अब डोंट वरी आई रिपीट अगेन। अब इसमें दो स्पेशल केसेस भी हमने डिस्कस किए थे, वो आप डिस्कस कर लेंगे। एक था अगर आपको याद होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और एक था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसे दो केसेस थे, किसको मिनिमम किस किधर मैक्सिमम वो देखते हैं, किसको स्टेबल बोलते हैं किसको अनस्टेबल बोलते हैं वो देखेंगे। तो बेसिकली मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उस केस में होता क्या है और मैक्सिमम में क्या होता है वो समझ लो अच्छे से, अच्छे समझ लेना एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसको स्टेबल बोलते हो वो भी बताना चाहिए। तो इमेजिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का केस ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी जाएंगे। तो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज साउथ पोल ऑफ डाइपोल, दिस इज नॉर्थ पोल। इसको बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ये अट्रैक्ट इच अदर, और यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट इच अदर, इट्स कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में एंगल इज जीरो, फाइनल एंगल इज जीरो। अगर फाइनल एंगल जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, माइनस पीई कॉस ऑफ जीरो इज वन, ये आ जाएगा आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का स्टेट। और याद रखना कोई भी स्टेबल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होता है, कोई भी सिस्टम हो जब तक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं होता है तब तक सिस्टम स्टेबल नहीं होता। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मैंने उसको रिलीज कर दिया, क्या होगा, फॉल डाउन। व्हाई, बिकॉज द सिस्टम इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी सिस्टम हो, हमने तीन टाइम के इक्विलिब्रियम भी देखे थे, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो एनी सिस्टम ट्राइज टू ब्रिंग इटसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम जब होना दोनों केस में तो क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस म्यू बार डॉट बी बार, तो माइनस कॉस थीटा तो कितना हो गया, माइनस म्यू बार डॉट बी बार था, माइनस म्यू बी कॉस थीटा हो गया, थीटा कितना है जीरो, तो क्या आ गया माइनस म्यू बी, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट आ गया। मैक्सिमम में क्या होता है फिर, मैक्सिमम में क्या नया अलग होता है, कुछ अलग नहीं होता है, 180 डिग्री, मतलब बेसिकली बस इतना चेंज है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये अनस्टेबल स्टेट है। और मैंने पहले ही बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट है और डायपोल मोमेंट टू द लेफ्ट है, तो कितना एंगल है 180, तो कॉस ऑफ 180 कितना होता है माइनस वन, तो वहां पे माइनस पीई इंटू माइनस वन मतलब प्लस पीई, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस पीई। इसको बोलोगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, और यहाँ पे इस केस में आ जाएगा म्यू इंटू बी, ये भी है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, क्योंकि सिस्टम स्टेबल तब होगा जब एनर्जी मिनिमम है और अनस्टेबल तब होगा जब एनर्जी मैक्सिमम है। गुड, क्लियर हो गया डेरिवेशन। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, दिस टाइम व्हेन आई रिपीट आई विल नॉट टेक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, आई जस्ट फोकस ऑन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल।
और आई विल स्किप राइटिंग पार्ट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू इट बाई योर सेल्फ। तो क्या है, हमारे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सो कंसिडर एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? देन इमेजिन अ मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड या फिर एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, बिकॉज द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल इज एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। तो थीटा बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड था नॉर्थ टू साउथ। ये जो पोल था ये था नॉर्थ पोल, ये जो था ये साउथ पोल था, राइट? क्लियर यहां तक? सो टॉर्क क्योंकि बेसिकली फोर्स, सो अ फोर्स QMB एक्ट्स ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एंड अ फोर्स माइनस QMB एक्ट ऑन द साउथ पोल ऑफ डाइपोल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हेंस हेंस सिंस क्या है, सिंस देयर आर टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट, हेंस देयर इज अ कपल। कपल है तो कपल तो क्या होगा, टॉर्क होगा। हेंस अ टॉर्क एक्ट्स ऑन दिस डाइपोल एंड रोटेट्स द डाइपोल बाय सम एंगल, और फाइनल एंगल कितना हो गया था, थीटा जीरो, करेक्ट? तो थीटा से आ गया थीटा जीरो। हमको क्या करना है, वी वॉन्ट टू ब्रिंग दिस डाइपोल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, मतलब वी वॉन्ट टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम थीटा जीरो टू थीटा। तो नेचुरल टॉर्क ने थीटा से थीटा जीरो पे लाया, और हमको क्या करना है, उसको वापस से कहाँ लेके जाना है, थीटा पे। पहले एंगल कितना था, थीटा था, कहाँ गया, थीटा जीरो। अब तुम जब एक्सटर्नल टॉर्क लगाओगे तो एंगल कितना है, थीटा जीरो, कहाँ जाना है, थीटा पे। तो इस एंगल क्या हो गया, थीटा जीरो, फाइनल क्या हो गया, थीटा। वी वॉन्ट टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा जीरो टू थीटा। तो वर्क डन इन डूइंग सो इज गिवन बाय, तो वर्क डन मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंटीग्रेशन ओवर स्मॉल वर्क डन। तो हम ये जो डाइपोल है इसको स्लोली स्लोली रोटेट करते हैं, पहले स्मॉल एंगल डी थीटा से वर्क डन कितना हुआ डी डब्ल्यू, फिर स्मॉल एंगल डी थीटा से वर्क डन कितना हुआ डी डब्ल्यू, फिर स्मॉल एंगल से वर्क डन कितना हुआ डी डब्ल्यू, करेक्ट, राइट? ऐसा करते करते थीटा जीरो से कहाँ पे आ गए, थीटा पे। तो वर्क डन तुम कर रहे हो थीटा जीरो एंगल से थीटा, राइट? गुड। अभी यहाँ पे लिमिट नहीं भी लगाया तो चलता है वैसे, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास वर्क डन की जगह पे जब तुम एंगल लिखोगे, क्योंकि वेरिएबल क्या है, एंगल, ओके, तो एंगल तो लाना पड़ेगा ना उधर। तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज डब्ल्यू, टाउ डी थीटा। डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज टाउ, म्यू बी साइन थीटा डी थीटा। म्यू और बी था कॉन्स्टेंट, तो साइन थीटा डी थीटा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू म्यू बी माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा जीरो टू थीटा, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू म्यू बी कॉस थीटा थीटा टू थीटा जीरो। नेगेटिव से हटा दिया और लिमिट्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ओके? तो अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन इक्वल टू म्यू बी कॉस ऑफ थीटा जीरो माइनस कॉस ऑफ थीटा। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यू बी इक्वल टू क्या आएगा,
म्यू वी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और अगर इनिशियल एंगल 90 हुआ तो आपको मिल जाएगा यू वी इक्वल टू म्यू वी कॉस 90 दैट इज 0 माइनस कॉस थीटा। फाइनल एंगल कितना है वो केस टू केस डिपेंड करता है, वो आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा कि फाइनल एंगल कितना है। तो अभी इसके आगे याद रखो, जब इनिशियल एंगल नहीं बताया है, जब इनिशियल एंगल बताया ही नहीं है तो कितना लोगे 90 डिग्री, कितना लोगे 90 डिग्री, मतलब इनिशियली डाइपोल ये एक्सटर्नल फील्ड को कैसा है परपेंडिकुलर, कैसा रखा हुआ है परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर यू हैव यू बी इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास यू बी इक्वल टू, यू बी इक्वल टू माइनस म्यू बार डॉट बी बार। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? पक्का पक्का? फिर दो स्पेशल केस हमको देखने हैं। स्पेशल केसेस में पहला स्पेशल केस है मिनिमम एनर्जी का, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होता है, जो फाइनल एंगल कितना होता है 0। फाइनल एंगल इज 0, तो अगर फाइनल एंगल 0 है तो यू बी इक्वल टू क्या लिखोगे, यू बी इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस 0। व्हाट इज कॉस 0? 1। तो देयरफॉर यू बी इक्वल टू माइनस म्यू बी, ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? गुड। तो ये आ गया आपके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। उसके बाद मैक्सिमम का देखना है, मैक्सिमम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है। हाँ वैसे बाय द वे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है। और ये कौन सा है? अनस्टेबल। फाइनल एंगल कितना होता है? 180। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस पीई कॉस ऑफ 180 माइनस 1, तो प्लस पीई, ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। हाँ म्यू बी ऑफकोर्स, तो म्यू बी वहां पे भी म्यू बी लिखा है ना? यस म्यू बी। दो कॉन्सेप्ट इतने सिमिलर है कि देन समटाइम्स मे बी यू गेट कंफ्यूज बाय राइटिंग नाउ। ऐसे ज्यादा जाता है पास्ट में चले गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं वैसे। उससे याद आया, जिनको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम है, जिनको नोट्स चाहिए, तो एक सिंपल काम करो, 11th के नोट्स निकालो, होंगे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसमें है ये टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां जहां इलेक्ट्रिक दिखा वहां वहां मैग्नेटिक लिखो, जहां जहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिख रहा है वहां वहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखो, जहां पे पी दिख रहा है वहां म्यू कर दो, जहां पे ए दिख रहा है वहां पे बी कर दो, हो गया खत्म। बाकी सब कुछ सेम ही राइट। और आपके पास नोट्स है क्योंकि मैंने दिए थे, तो फिर वो होना चाहिए। गुड राइट, बस उतना चेंज करना है, डन, बाकी सब कुछ सेम। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक खत्म, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक होगा बायोट सावर्ट लॉ, यही है क्या? तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। एंड इफ यू रिमेम्बर, मैं आपको कल ही बता रहा था कि इस चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि तो दो तीन टॉपिक ऐसे है जो लगते सिमिलर है लेकिन सिमिलर है नहीं। जैसे कल का जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर फोर्स कितना है। तो वो जो हमने कल तीन टॉपिक कवर किए थे, वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर खुद मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो ये जो टॉपिक आज हमको सीखना है, उसमें हमको देखना है कि एक करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, दैट इज गिवन बाय बायोट सेवर्ट लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट,
हाँ, ड्यू टू करंट यानी कंडक्टर ड्यू टू करंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको तो बोलते हो बायो सैवर्ट लॉ। यू कैन से 11th में जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² एक चार्ज एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है विच इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r². तो ये टॉपिक और वो टॉपिक समवॉट सिमिलर है, समवॉट नॉट एग्जैक्टली। तो वहां पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, यहाँ पे तुम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो समवॉट। अब ये बायो सावर्ट लॉ है क्या वो समझ लेते हैं। इमेजिन हमारे पास एक आर्बिट्री शेप का वायर है, और ये आर्बिट्री शेप का वायर जो है इट कैरीज स्टेडी करंट। तो इसमें से एक स्टेडी करंट आई फ्लो हो रहा है, एंड एज यू नो हमने इस चैप्टर का शुरुआत ही वहां से किया था कि जब भी वायर में करंट हो तो वो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भी करंट है, तो ये जो करंट कैरिंग वायर है ये अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं पी, रैंडमली एक पॉइंट ले लिया पी। हमको देखना है कि ये पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट आर। क्लियर? बट रिमेंबर रिमेंबर बायोट सेवर्ट लॉ आपको बताएगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट। तो आप लोग क्या करोगे, इस पूरे वायर को क्या करोगे, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे। उसमें से एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया, इसका लेंथ कितना है, डी है। और हमको ये पता करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा, आई जस्ट वांट टू शो सम एंगल, इसके लिए रोटेट करना है बस, बाकी ठीक है, फाइन नाउ गुड। तो हमको ये पता करना है कि जो ये स्टेडी करंट है ये पूरे वायर से पास हो रहा है, तो इस एलिमेंट से भी पास हो। तो जब इस एलिमेंट से ये करंट पास होगा तो ये एलिमेंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। और हमको देखना था, वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट। तो एक काम करते हैं, इस एलिमेंट के सेंटर से पी पॉइंट तक एक लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो लाइन है इसमें, ये जो लाइन है इसमें सेंटर के साथ, किसके सेंटर के साथ, एलिमेंट के सेंटर के साथ जितना एंगल बनाया, इस एंगल को बोल देंगे थीटा। क्या बोल देंगे इसको, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। तो रिमेम्बर दिस एंगल इज थीटा। गुड, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, देखो लिखा होगा स्टेटमेंट में, पहले स्टेटमेंट लिखा होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हो ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोट किससे करते हो, ई से। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ स्टेडी करंट थ्रू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट एट अ पॉइंट एस। देखा ऐसा, देखो बोला है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट, ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एस। ये चार चीजों पे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द एलिमेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू दैट पॉइंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एलिमेंट एंड द पॉइंट। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझेगा तो आने वाले तीन टॉपिक समझेंगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बायोट सावर्ट लॉ क्या बताता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, राइट। तो तुमको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड, किसका मैग्नेटिक फील्ड, वायर का। लेकिन पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक साथ तुम फाइंड नहीं कर सकते हो, नहीं होता एक साथ फाइंड, तो एक साथ नहीं होता तो कैसे होता है, फिर पीसेस में होता है। मतलब तुम व्हाट वी डू इज हम इस पूरे वायर को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करते हैं, और एक स्मॉल एलिमेंट का फील्ड कितना है
गिवन पॉइंट पे, वो हमको किससे पता लगता है? बायोट सेवर्ट लॉ। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ, किसका स्मॉल एलिमेंट है? ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब अभी देखो एलिमेंट छोटा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी छोटा होगा, कम होगा। मतलब तो आई विल राइट डाउन डीबी, तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो याद रखना द मैग्नेटोमैटिक इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, अभी स्मॉल एलिमेंट है तो वो जो स्मॉल एलिमेंट फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी स्मॉल होगा, तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई। नंबर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट, टू लेंथ ऑफ एलिमेंट। और ये लॉजिकल चीजें हैं बहुत, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा लेंथ में से करंट पास होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो डीवी इज प्रोपोर्शनल टू डी एल। नंबर थ्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको साइन ऑफ एंगल बिटवीन द सेंटर, बिटवीन द सेंटर ऑफ एलिमेंट, या फिर बिटवीन द एलिमेंट भी बोल सकते हो, बिटवीन द एलिमेंट एंड एंड द लाइन ज्वाइनिंग, इसको ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एलिमेंट, सेंटर ऑफ एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर यू आर सपोज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। लास्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब अगर इन चारों को मैं कंबाइन कर देता हूं ना तो डीवी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आई विल अवॉइड राइटिंग डाउन थ्योरी, हो तुम बोल सकते हो कंसीडर वायर ऑफ आर्बिट्री शेप, द वायर इज इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट ईच ऑफ लेंथ डी एल, कंसिडर वन सच एलिमेंट डी एल, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट थ्रू दिस एलिमेंट डी एल इज प्रोपोर्शनल टू पाई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। गुड। तो जब भी तुम प्रोपोर्शनिटी का कॉन्स्टेंट मतलब आप साइन करते हो तो क्या लेते हो? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी, तो इसको फिलहाल बोल देता हूँ मैं के, ये के 1/4 पाई ε0 नहीं है, हाँ ये के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है लेकिन ये 1/4 पाई ε0 नहीं है। तो वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एंड एक चीज याद रखो, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट समझने में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि तो कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। जैसे ग्रेविटेशन समझा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा है तो ये समझेगा, कॉन्सेप्ट आर सो क्लोजली कनेक्टेड। मैं आपको ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल दे देता हूँ, ग्रेविटेशन में फोर्स होता है m1 m2 बाय r², इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है q1 q2 बाय r². तो ग्रेविटेशन में जो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करते हो q बाय r²,
वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है m/r², करेक्ट। उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी याद होगा, Q1 Q2 / r, वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है m1 m2 / r विथ माइनस साइन, क्योंकि वो बाउंड सिस्टम है, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस है, रिपल्सिव नहीं होते वहां फोर्सेस। उसके बाद अगर आपको याद होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Q/r, वहां पे -m/r। पर अगर इन दोनों का आपको इक्विवेलेंट समझा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें भी बहुत सारी चीजें सेम है, जैसे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वहां पे भी था यहाँ पे भी है ना, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 / r², वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लिखते हो, वो क्या होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड, तुम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, SI कर रहे हो कि CGS कर रहे हो, उसके ऊपर। नंबर 2, दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम था, या फिर सराउंडिंग स्पेस में कौन सा मीडियम है, डिपेंड ऑन द सराउंडिंग, मतलब डिपेंड ऑन द सराउंडिंग मीडियम। यहाँ पे भी वही है, सेम थिंग, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन, हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज एंड एंड सराउंडिंग मीडियम। तो जो करंट कैरिंग वायर है उसके सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सराउंडिंग मीडियम एयर या वैक्यूम है, और अगर तुम SI सिस्टम यूज कर रहे हो, तो K की वैल्यू आती है, हाँ, इन SI यूनिट्स के इज इक्वल टू μ0/4π, और ये आता है 10^-7 इन SI यूनिट्स विद एयर और वैक्यूम एज सराउंडिंग। ओके गुड। अब ऐसे SI यूनिट वेबर पर एम्पियर मीटर होता है, वो वेबर पर एम्पियर मीटर लिखा नहीं मैंने, लेकिन वो वैसा होता है, तो बाद में चेक करेंगे हम लोग एम्पियर मीटर के एम्पियर मीटर पर, बाद में चेक कर लेंगे। क्या आता है पता है? नहीं पता तो चेक कर लेना, पता है क्या आता है, लिखा है नोट्स में लिखा है वेबर पर एम्पियर मीटर आता है। गुड हो गया, गुड। तो देयरफॉर व्हाट इज डीबी, डीबी इक्वल टू के क्या आया, μ0/4π IdL sin θ/r². जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर नोटेशन में लिखते थे, इसको भी तुम वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हो। तो वेक्टर नोटेशन लाने के लिए पहले प्रॉब्लम को समझ लिया करो, बाद में आगे कुछ सोचना। यहाँ पे साइन थीटा है और एक dl वेक्टर बन सकता है ना वेक्टर। ओके, अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो साइन थीटा दिखना चाहिए और दो वेक्टर दिखने चाहिए, या तो एक ही दिख रहा है क्योंकि करंट को मैं अभी तक स्केलर मान के चल रहा हूँ। तो एक काम करेंगे, ये जो आर था ना, इसको बना देंगे पोजिशन वेक्टर। फिर आर बार एक पोजिशन वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द एलिमेंट एंड गोज टू द पॉइंट पी, इसको क्या बना लिया हमने वेक्टर। और क्या किया, ये जो इक्वेशन आया इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर कर लो, तो डी बी इक्वल टू μ0/4π IdL r sin θ/r³, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर किया हमने, हो गया। तो डी बी बार इन वेक्टर नोटेशन इज μ0/4π I क्या डीएल बार क्रॉस आर बार अपॉन क्यू, ये बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर नोटेशन है, वेक्टर फॉर्म मतलब, तो इस वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, क्लियर राइट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस इज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगले 2-3 टॉपिक डायरेक्टली बायो सेवर्ट लॉ पर डिपेंड करेंगे। पॉइंट नंबर 1, यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट वॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई कंप्लीट लेंथ ऑफ वायर, एटलीस्ट फॉर एन आर्बिट्री वायर, क्योंकि शेप
चेंज हो रहा है, रैंडम शेप है। तो इसके लिए हम लोग पीस बाय पीस, मतलब हर एक लेंथ एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो देखते हैं। और वो कौन बताता है हमको? बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ जहां भी अप्लाई करोगे, इट शुड बी वेरी क्लियर वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, नॉट कंप्लीट वायर। वो अभी आएगा, वो एप्लीकेशन है बायोट सेवर्ट लॉ का, अब भी करना है हमको। और बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो डीवी इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो डीवी इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, करके इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन व्हिच सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू आर यूजिंग एंड व्हाट इज सराउंडिंग मीडियम। तो इन एसआई यूनिट विद सराउंडिंग एयर और वैक्यूम, वैल्यू ऑफ के इज म्यू 0 बाय 4 पाई। म्यू 0 बाय 4 पाई की वैल्यू आ जाती है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। गुड, अभी आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इंडक्शन तो अभी करेंगे ना, ये तो स्मॉल एलिमेंट का था ना, अभी वही करना है हमको। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, बायोट सेवर्ट लॉ ये स्ट्रिक्टली तुमको स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक इंडक्शन देता है, और तुमको कंप्लीट वायर का फाइंड करना है तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, वो अभी आएगा पहला फेज। क्या क्या है देखो, तो क्या है अगला टॉपिक? तो ऐसा लिखा हुआ है वहां पे, करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, एक्चुअली उसका मतलब है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। तो हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, एक्चुअली इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर लेते हैं हम लोग। अब टेक्स्ट बुक का और मेरे नोट्स का अप्रोच थोड़ा अलग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बोल सकते हो। वो टेक्स्ट बुक से उठा के मैंने डाल दिया उसमें, दैट आई टोल्ड यू आई डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स इंटेंशनली, क्योंकि आपको दो अप्रोचेस पता होना चाहिए कि उस चीज को तुम सिंपल कैसे बना सकते हो। तो अभी हम जो डिसीजन लेंगे वो सिमिलर है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन इट विल बी वे टू इजी। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो पहले तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लेंगे। तो लेट अस कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग स्टेडी करंट आई। तो यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। मैं वापस से भी लिखने नहीं वाला हूँ थ्योरी, नो थ्योरी। लॉन्ग स्ट्रेट वायर इट कैरिज करंट आई, स्टेडी करंट आई। तो इसमें करंट है आई, देयर इज अ पॉइंट पी, देयर इज अ पॉइंट पी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस। तो देयर इज अ पॉइंट पी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर वेयर वी आर सपोज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमको पी पॉइंट पे इंडक्शन फाइंड करना है, और मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंशन क्यों किया? क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा, फिर यह डिस्टेंस मेजर कहाँ से करो? फिर यहाँ से करो क्या, कि यहाँ से करो, कि यहाँ से करो, कहाँ से करो? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है कि ये 90 डिग्री एंगल बन जाता है। क्लियर, पक्का पक्का क्लियर? इसमें करंट आया था, वेन एवर अ वायर कैरीज अ करंट इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग स्पेस, सराउंडिंग रीजन। उस मीडियम में एक पॉइंट है पी एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द वायर, और हमको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी। बायोट सेवर्ट लॉ अगर यूज करना है, तो मैंने पहले ही बता के रखा है कि बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करने का क्राइटेरिया क्या था। बायोट सेवर्ट लॉ गिव्स द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट। तो हम लोग पहले इस वायर को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में इमेजिन करेंगे, और उसमें से एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया, इमेजिन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ
इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट्स, इन्फिनिटेसिमल मतलब वेरी स्मॉल एलिमेंट। तो हमने ऐसा इमेजिन किया कि ये पूरा का पूरा वायर जो है ना, ये लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है। उसमें से फिलहाल मैं सिर्फ एक एलिमेंट ले रहा हूं। कंसिडर वन सच एलिमेंट एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम ओरिजिन, इसको ओरिजिन मान लेता हूं। और ये जो एलिमेंट मैंने लेके रखा है इसको बोल देता हूँ, ये जो एलिमेंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे। तो ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ वो आफ्टर गोइंग होम वॉच दिस रिकॉर्डेड लेक्चर एंड पुट डाउन, मेक इट सिंपल। तो कंसिडर द वायर टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स एच ऑफ लेंथ डीएल, एंड कंसिडर वन सच एलिमेंट एट डिस्टेंस एल फ्रॉम द ओरिजिन। बायो सेवर लॉ क्या होता है तुमको, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वो तो आए दिया है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट। ये लेंथ एलिमेंट का जो लेंथ है ना, इसको हम लोग डीएल मान रहे हैं। साइन ऑफ थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द सेंटर ऑफ एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। मतलब बेसिकली ये लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको आर बोलने वाले हो, ये आर आएगा और ये जो एंगल बनेगा इधर, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एलिमेंट का सेंटर था वहां से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया पी पॉइंट तक। इस लाइन ने और एलिमेंट में जो एंगल बना उसको क्या बोला है, थीटा, तो वो थीटा है। बराबर, क्लियर, पक्का पक्का। तो एक काम करेंगे, पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दिस एलिमेंट। सो देयरफॉर मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दिस एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने इमेजिन किया उसकी बात कर रहा हूं मैं, क्या आएगा, म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये एक एलिमेंट का हो रहा है बात, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन एलिमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर, पक्का पक्का श्योर। हमको मैग्नेटिक इंडक्शन एक एलिमेंट का पूछा है कि पूरे वायर का पूछा है, पूरे वायर का, बराबर। और ये वायर क्या है, इंफिनिटली लॉन्ग। ये अगर ओरिजिन है तो यहाँ पे क्या है फिर, प्लस इंफिनिटी। लेकिन जब तुम इंफिनिटली लॉन्ग वायर बोलते हो तो इंफिनिटली लॉन्ग वायर कभी भी जीरो से स्टार्ट होके इंफिनिटी नहीं जाता है, वो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होके प्लस तक जाता है। मतलब बेसिकली ऐसा एक पोर्शन इसके नीचे भी रहा होगा, तो इट इज गोइंग टू माइनस इंफिनिटी। गुड, तो यहाँ पे नीचे माइनस इंफिनिटी के पास आ रहा है। ओके राइट। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे फिर, देखो हमने तो पहले इमेजिन किया था ओरिजिन से इंफिनिटी, लेकिन अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ये वायर तो इंफिनिटी लॉन्ग है, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब ये वायर के दो पार्ट्स हैं, एक अपर पार्ट है जो ओरिजिन से इंफिनिटी पे है, एक लोअर पार्ट है जो ओरिजिन से माइनस इंफिनिटी पे है। सो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, अभी देखो बात ऐसा है, टोटल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो तुमने लेंथ एलिमेंट लेके रखे हैं ना, ये बहुत सारे एलिमेंट्स है जो अपर पार्ट में भी है जो लोअर पार्ट में भी है। तो करंट जब आ रहा है तो करंट कहां से आ रहा है, लोअर पार्ट से अपर पार्ट। हमने फिलहाल सिर्फ टेम्पररी सिर्फ हमने एक ही सिंगल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड किया यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। फिर हम बोलेंगे कि टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन सिंस द वायर कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सच इंफिनिटेसिमल एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इनवे टू प्लस इंफिनिटी, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इज, कहीं भी एलिमेंट हो, यहाँ पे एलिमेंट हो, यहाँ पे एलिमेंट हो, कहीं पे भी हो, जब भी करंट पास होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे आने ही वाला है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है क्या, पक्का पक्का।
तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अपर पार्ट प्लस लोअर पार्ट। अभी पहले हम लोग अपर पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो अपर पार्ट का फील्ड होगा उतना ही लोअर पार्ट का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिक सिचुएशन में, बताता हूँ मैं आपको। बट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपर पार्ट इज इक्वल टू अपर पार्ट, कैसे करोगे? इंटीग्रेशन डीवी। ये जो लेंथ एलिमेंट था यहाँ पे, ऐसा एलिमेंट यहाँ भी रहा होगा, ऐसा एलिमेंट यहाँ भी रहा होगा, यहाँ भी होगा, तो जीरो से कहाँ तक जाए ऐसे एलिमेंट? प्लस इंफिनिटी तक। तो अपर पार्ट में कैसे निकालोगे? जीरो टू इंफिनिटी। तो हर एक एलिमेंट में फील्ड प्रोड्यूस किया, कितना किया? डीवी किया। तो वही प्रोसेस है पूरा, एक एलिमेंट का फील्ड, फिर बोलते हैं हमको जीरो से इंफिनिटी, तो बहुत सारे एलिमेंट है सबने प्रोड्यूस किया होगा, तो इंडक्शन डी भी कहां से? जीरो से इंफिनिटी। क्लियर? गुड। बट सिंस, अभी चलो एक काम करते हैं, पहले लोअर पार्ट का लिख लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लोअर पार्ट इज माइनस इंफिनिटी टू जीरो। लोअर पार्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? कहां से जा रहा है? जीरो तक। माइनस इंफिनिटी टू जीरो डीवी, करेक्ट। लेकिन सिचुएशन सिमेट्रिक है, बट द सिचुएशन इज सिमेट्रिक। आई होप यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री? जो लोअर पार्ट में होगा वही अपर पार्ट में होगा, और लिमिट भी देखोगे ना, तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो और जीरो टू प्लस इंफिनिटी। और अगर तुम डीबी का इक्वेशन देखोगे, डीबी का वो भी सेम, लोअर पार्ट में कोई भी एलिमेंट ले लो, डीबी का इक्वेशन यही बनने वाला है, अपर पार्ट में ले लो, डीबी का इक्वेशन यही बनने वाला है। तो जब सिचुएशन सिमेट्रिक हो तो याद रखना, अपर पार्ट और लोअर पार्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है सेम। वेन एवर सिचुएशन इज सिमेट्रिक, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट थ्रू लोअर पार्ट ऑफ द वायर एंड अपर पार्ट ऑफ द वायर इज सेम, सेम आता है वो। तो देयर फॉर टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन आई कैन राइट डाउन बी यू प्लस बी एल, बट बी एल इज ऑल्सो बी यू, तो बी यू प्लस बी यू, तो टोटल इंडक्शन इज टू टाइम्स ऑफ बी यू। लेकिन वॉट इज बी यू? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी डी बी, है ना? यहां से तुमको तुम्हारे टेक्सट बुक में मिलेगा, इस पॉइंट से आगे तुमको मिलेगा, है सिर्फ डीबी के जगह पे डीबी का इक्वेशन लिखा है। तो व्हाट इज डीबी? व्हाट इज डीबी? हाँ, 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। डोंट वरी, आज जाके तुम रिवाइज करोगे, नहीं समझा तो मुझे वापस बताओगे, मैं वापस नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू ऑल्सो थिंक इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस मैथमेटिकली। हर बार टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसको फॉलो नहीं करना होता है, अननेसरी डिफिकल्ट करके रखा है। तो बी इक्वल टू टू म्यू 0/4 पाई, जो 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 भी कॉन्स्टेंट है बाहर, आई कॉन्स्टेंट था यस, डी एल कॉन्स्टेंट था यस, साइन थीटा कॉन्स्टेंट था नहीं था, नहीं था। आप बोलते हो साइन थीटा की वजह से कॉन्स्टेंट आती है, अरे रुको जरा, तुम ये एलिमेंट कहाँ ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है थीटा। अगर तुमने ये एलिमेंट यहाँ ले लिया तो थीटा 90 हो गया। हाँ, तो साइन थीटा की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है जब थीटा कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ थीटा कॉन्स्टेंट नहीं है। तो कॉन्स्टेंट नहीं है तो बाहर निकालना मत, पहले चेक कर लेना कि, अरे तो बेसिकली आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आर इज द डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट, और ये आर खुद डिपेंड करता है थीटा पे। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा आर की वैल्यू भी चेंज होगी। तो पहले तो तुम साइन थीटा का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो। चलो ठीक है, अभी साइन थीटा तो मिल नहीं सकता, व्हाट इज दिस एंगल? मतलब पाई माइनस थीटा, है ना? तो व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल? फ्रॉम दिस ट्राइंगल अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कैपिटल आर बाय स्मॉल। लेकिन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, बट साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देयरफॉर व्हाट इज साइन थीटा? आर बाय स्मॉल आर, आर बाय स्मॉल आर। ओके गुड, क्लियर।
श्योर। एक गलती हुई है, आएंगे उस गलती पे भी। बी इक्वल टू 2 μ0/4 πI डी एल, व्हाट इज साइन थीटा? कैपिटल आर बाय 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 स्मॉल आर, और ये और एक आर था तो क्या हो गया, R³ from 0 to ∞। मैंने जानबूझ के यहाँ पे कुछ चीज रखा है जाके हाँ, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? हाँ डी है, मैं उससे लास्ट से आने वाला था लेकिन तुमने बता दिया, वेरी गुड। क्योंकि तुम लेंथ एलिमेंट में तो ऐड करोगे ना, तुम कर क्या रहे हो, तुम पहले एक एलिमेंट से फील्ड फाइंड कर रहे हो, फिर दूसरे से करोगे, फिर तीसरे से करोगे, और सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो तुम लेंथ एलिमेंट पे तो इंटीग्रेट करने वाले हो ना। हाँ तो डीएल कॉन्स्टेंट नहीं है, दैट इज वॉट यू नीड टू नो, ये अंदर जाएगा। गुड, अच्छा टाइम पे तुमको समझ में आ गया, नहीं सर पूरा फॉलो करके ढूंढते हैं डीएल किधर, अच्छा ना डीआर दिख रहा है, ना डी थीटा दिख रहा है, ना डीएल दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। व्हाट इज स्मॉल आर फ्रॉम दिस फाइनल? R² = L² + R² तो R = L² + R² raised to 1/2। गुड गुड, ये आर आ रहा है। व्हाट इफ आई वांट R³? L² + R² raised to 3/2, हमारे पास R³ था। ओके देयरफॉर B = 2। मैं जानबूझ के 2 को साथ में रख रहा हूँ, इंटेंशनली रख रहा हूँ, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे। I integration from 0 to ∞ R, और ये R कांस्टेंट है क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस ये कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, तो तुम इसको बाहर लिख सकते हो फॉर श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है ना, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। अंदर क्या बचा? DL/R³, व्हाट इज R³? R² + L² raised to 3/2। अब ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ना, वो पता होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल तुमको अगर पता नहीं है तो गए, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ये आता है L/R² 1/R² + L² raised to 5। This is standard integral। हुआ क्या इंटीग्रेशन आपको मैथ्स में? हुआ? आई थिंक ये शायद हुआ होगा कि नहीं पता नहीं, पर ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। हाँ लिमिट हटा देता हूँ ना मैं, लिमिट का क्या करना है आपको, सिर्फ ये पता होना चाहिए, लिमिट देख लेंगे बाद में, तुम यहाँ ध्यान दो अभी, ये नहीं तो पे अटेंशन ही कर। तो ये आता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल। अब देखो आइडियली स्पीकिंग हमने डायग्राम तो ड्रॉ की आपको समझाने के लिए, लेकिन रियलिटी ऐसे नहीं होती है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। रियलिटी में ये वायर बहुत लंबा है, और जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो ना पी, वो बहुत ही पास में है, क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड्स ऑन 1/r², डिस्टेंस बढ़ाओगे फील्ड कम होगा, तो तुम बेसिकली ये जो पॉइंट है जहां पे फील्ड फाइंड कर रहे हो, इट इज वेरी नियर। अगर तुमने कोई भी लेंथ एलिमेंट लिया, वैसे तो लेंथ एलिमेंट जरूरत नहीं, तो अभी यहाँ पे लेंथ पे आ गए, एल टोटल लेंथ ऑफ वायर है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर तो बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी नहीं भी है तो बहुत बड़ा है, तो एल की वैल्यू आर के कंपेरिजन में क्या है, बहुत बड़ा है, राइट? तो बट एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। तो एक बात बताओ, व्हाट विल बी L² + R² L² ही आएगा ना, आएगा? यस तो अगर ऐसा है तो फिर ये इंटीग्रेशन DL/R² + L² raised to 3/2 विच वॉज L/R² 1/, क्या लिखूं यहाँ पे मैं, L² raised to क्या करूं, तो कितना हो गया एल, ये एल और ये एल, तो क्या आ गया, हाँ तो ये इंटीग्रेशन आता है 1/r। तो अभी एक काम करो, एग्जाम में नहीं आ जाए ना तो डायरेक्ट बोल देना
दिस इंटीग्रेशन इज वन माई आंसर। गुड, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मैथ्स फ्रॉम यू, दे आर एक्सपेक्टिंग फिजिक्स फ्रॉम यू, तो फिर ठीक है। देयर फोर हमको जो मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना था, देयर फोर दिस मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 μ₀/4 πIR अपॉन 1/r². एक आर कैंसल, तो बी आ गया आपके पास 2 μ₀/4 πI/r या फिर μ₀/I(2 πIR, राइट। तो व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कैरिंग करंट आई फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, μ₀/I/2 πIR। हम नॉर्मली ये 2 को कैंसिल नहीं करते क्योंकि इसकी वैल्यू तुमको पता होती है 10^-7, लेकिन बुक में देखोगे तुमको मिलेगा μ₀/I/2 πIR। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट डिस्टेंस स्मॉल ए फ्रॉम वायर, μ₀/I/2 πA बराबर एट डिस्टेंस आर μ₀/I/2 πIR, याद रहेगा। तो व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट डिस्टेंस आर, μ₀/I/2 πIR। अरे वायर तुमने कहां से कहां तक लिया, कहां से कहां तक? हाँ, तो अगर सेमी इंफिनाइट वायर हो तो क्या होगा, इसका हाफ होगा μ₀/I/4 πIR। उस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो सेमी इंफिनाइट बोला है कि इंफिनाइट बोला है वो पहले पढ़ो। अगर इंफिनाइट बोला है तो नीचे 2 है, सेमी बोला तो नीचे 4 है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।